थाना बन्ना देवी अंतर्गत यहाँ पे सारसोल चौराहे से मुश्किल से 200 मीटर दूर पर यहाँ पे एक सुंदर ज्वेलर्स दुकान है। उन्होंने दुकान का यहाँ पे अपने यहाँ पे काम कर रहा था। लगभग 1:15 बजे के आसपास, ये 1:15 बजे के आसपास तीन लोग मोटरसाइकिल में आया था। दुकान का सामने गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया। उसके बाद तीन लड़के अंदर गया। अंदर जाने के बाद उन्होंने कट्टा दिखा के वहाँ पे जो सामान सामने था वो सब बक्सा वगैरह निकाला, और उसके बाद उनका वो जो लाकर खोला था उससे भी 3-4 ATM पैसा निकाला है। अभी लगभग 30-40 हज़ार बता रहा मालिक पैसा निकाला, और उसके साथ ज्वेल्स ले गया। उनका जो भी उनका घर अंदर गिरी रखा है, जो सामान है सोना का है, सब चीज़ है, वो अभी मालिक साहब वेरीफाई करके हमको बताएंगे। उसके अनुसार हम तुरंत FIR दर्ज करेंगे। अभी हमने हमारे SP क्रिम और SP सिटी का टीम गठित किया है। हमारे CO साहब के नेतृत्व में सभी पूरा जनपद की टीम लगी है। जल्दी से जल्दी ये केस खुलासा करेंगे, मुलजिम जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। वो CCTV फुटेज में साफ सुथरा हर है। हमें पूरा इसका वायरल करा के यहाँ लोकल का माध्यम से सहयोग ले लेंगे हम लोग। यहाँ लोकल का भी सभी जो भी आदमी पहचान कर सकते हैं उनका रिवार्ड भी हम दे सकते हैं हम लोग, और हम इसका भी वायरल करा के जल्दी से जल्दी इसको मुलजिम की गिरफ्तार करेंगे और कार्रवाई करेंगे जल्दी। भैया ग्राहक बैठे हुए थे दुकान पर, तीन बंदे आए कट्टा लेके, मगर ये है कि कट्टा दिखा के वो तिजोरी खाली करके रह गए। और हमारे प्रशासन ने सारी वीडियो या व्हाट्सएप द्वारा जो भी है उन्होंने ले रखी है, और वो कह रहे हैं बंदे साफ से पहचान में आ रहे हैं, वो तुरंत इनका ही। आपसे 4 साल पहले भी दिन में मेरे यहाँ डकैती पड़ चुकी है। अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है, देखता हूँ मैं कितनी देर के लिए आश्वासन दिया है कि ये कुछ करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। सर आज कितने समय था जब वो लोग आए थे? 1:04। कितने लोग होंगे तकरीबन सर? 3 जने, तीनों के हाथ में कट्टे थे। सर आपके CCTV लगे हुए हैं? उसमें लगे हुए हैं, सारी रिपोर्ट मेरे पास सब अवेलेबल है। सर कितने जेवरा तो कितने नकदास लेके क्या रखोगे? खोल के नहीं दिया मैंने उनको, उन्होंने लूट किए तो 700 ग्राम के करीब लूट के ले गए। प्रशासन को साफ साफ दिख रहा है 40,000-50,000 रुपए का कैश गया है। छोटा बच्चा बैठा था तिजोरी पे, इसके कान पे कट्टा रख के जब चले हैं दुकान पे, मुझे थोड़ा सा एहसास हो गया था, इसलिए मैं यहाँ से अपने मकान में अंदर भाग गया। उन्होंने देख लिया कि बंदा भाग रहा है और उन्होंने कट्टा निकाला कि वो अंदर भाग गया। मैं भाग के छत पे गया हूँ, हल्ला मचाया है, उनने आधा मिनट नहीं लगाया जोर के हाथ लगा, क्योंकि उनको खतरा हो गया कि एक दुकानदार भाग गया। दुकानदार तो भाग गया बाहर, इसलिए उनके हाथ पैर फूल गए। जितना सामान यहाँ से चोरी कर सकते थे यहाँ से वो सारा ले गए। कितनी होगी तक रकम होगी? तो नकदा सामान 40,000 और 700 ग्राम के आसपास होगा। भजन क्या सिर्फ चांदी लेके गए या सोना भी? ओनली सोना, चांदी 1 ग्राम भी नहीं लिया है। अच्छा, चांदी का कोई काम नहीं। अच्छा आपका क्या नाम है? सुंदर ज्वेलर्स, सुंदर वर्मा नाम है मेरा दुकान की। दुकान पे कौन कौन मौजूद था जिस समय घटना हुई? मेरा छोटा बेटा। क्या नाम है बेटे का? यश वर्मा। अच्छा, आप? मेरा पुराना चेला है, 14-15 साल पुराना। एक वो पीछे छोटा सा बच्चा खड़ा है। और तीन ग्राहक बैठे। क्या नाम है आपके यहाँ जो काम करते हैं? इसका नाम है धर्मेश।